हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आराधना। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे विजडम टूथ के बारे में, जिसे हम अकल दाढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अकल दाढ़ होता क्या है, कब आता है, जब ये आता है तो उससे होने वाली प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, होम रेमेडीज क्या हैं, और हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और इस अकल दाढ़ को हमें एक्सट्रैक्ट करवा देना चाहिए या नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अकल दाढ़ होता क्या है और कब आता है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे दांत जो हैं वो चार हिस्से में डिवाइडेड होते हैं, 1, 2, 3, 4। अब इन चारों हिस्सों में जो सबसे आखिरी दांत होता है उसे हम बोलते हैं विजडम टूथ। ये आता कब है? 18 से 25 साल की उम्र में आता है। पर ऐसा देखा गया है कि 25 साल की उम्र तक ही सबके आ जाएं विजडम टूथ, ये जरूरी नहीं है। कई बार 30, 40, 50 साल की उम्र में भी निकलता है ये दांत। अब इसे विजडम टूथ या अकल दाढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 18 साल की उम्र के बाद आता है और हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमें मेच्योरिटी 18 साल के बाद आती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि विजडम टूथ के आने से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि ये दांत आने में ही हमें सबसे ज्यादा दर्द क्यों होता है। क्योंकि एक फैक्ट है, जब एवोल्यूशन हुआ तो उसके साथ हमारे जो जबड़े हैं वो भी छोटे होते चले गए, यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उनके जबड़े हमारे जबड़ों से काफी बड़े थे। और उसका एक बहुत ही बेसिक सा रीजन है, ये खान पान। वो रॉ चीजें खाते थे, रॉ मीट खाते थे, रॉ फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स, हर चीज वो कच्ची खाते थे। इसलिए मूवमेंट भी जॉ का ज्यादा होता था और उनके जबड़े इसलिए हमारे जबड़ों का कंपैरिजन में काफी बड़े थे। अब थर्ड मोलर का बर्ड तो है ही हमारे, मतलब वो दांत तो आना है ही, बट हमारे जबड़े छोटे हो चुके हैं समय के साथ। तो जब ये आखिरी दांत आता है और जबड़े में जगह नहीं होती है तो वो पेनफुली आता है, मतलब बगल वाले दांत को, ऊपर के गम्स को, नीचे की नर्व्स को प्रेशर डालता है। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि हम इसे पहचाने कैसे कि अकल दाढ़ ही आ रही है, ना कि कोई और प्रॉब्लम है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब अकल दाढ़ आता है तो बगल वाले दांत पे प्रेशर डालता है, ऊपर के मसूड़ों में और नीचे की नसों में, जिसकी वजह से मुंह खुलने में दिक्कत होने लगती है, दर्द बढ़ जाता है, आसपास के दांतों में भी दर्द होने लगता है और मसूड़े ऊपर के सूज जाते हैं। उस सूजन की वजह से आपको खाने में दिक्कत होती है और कई बार वहां पे खाना फंस जाने की वजह से इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो चलिए अब हम होम रेमेडीज के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि हम घर पे इसका उपाय कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वो सारे सिम्टम्स जो अभी मैंने बताए वो दिख रहे हैं, वैसा लग रहा है, तो आप नमक और गर्म पानी का कुल्ला कर सकते हैं। उसके करने से क्या होता है कि वहाँ पे फंसा जो भी खाना होता है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ की सूजन कम होने लगती है, जिससे आपको दर्द में भी आराम होने लगता है। और इस बात का खासा ख्याल रखें कि जब भी ब्रश करें तो उस एरिया को क्लीन करना जरूरी है, बट हल्के हाथों से, यानी कि हमें बहुत ही हल्के हाथों से उस एरिया को क्लीन करना है। लास्ट में अगर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप डेंटिस्ट के पास तुरंत नहीं जा सकते तो लौंग का तेल या खड़ा लौंग को पीस के वहाँ पे लगा सकते हैं कॉटन के साथ। दर्द में थोड़ी देर के लिए आराम ज़रूर हो जाएगा। तो ये होम रेमेडीज हैं, बट 3 से 4 दिन से ज़्यादा इस दर्द के साथ रुकना ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये होम रेमेडीज करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये डेंटिस्ट के पास जाने का अलार्म है। अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि अगर हमने घर पे 3-4 दिन ट्रीटमेंट कर लिया है पर हमें आराम नहीं मिल रहा है तो डेंटिस्ट के पास जाने के बाद क्या होगा। तो सबसे पहले वो आपको अच्छे से एग्जामिन करेगा, मतलब उस एरिया को देखेगा कि वो किस हालत में है, और ज़रूरत पड़ने पे वो आपका एक एक्सरे भी करवाएगा। एक्सरे करवाने का एक सिंपल सा रीज़न है दांत का डायरेक्शन देखना, कि दांत सीधे डायरेक्शन में आ रहा है या टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा दांत अगर आ रहा होगा तो एक्सट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए एक्सरे कराना बहुत ही जरूरी है। एक्सरे की कॉस्ट 150 से 200 रुपए होती है, कई
कई क्लिनिक में 300 रुपए भी होती है। अब ज्यादातर डेंटिस्ट एक्सरे देखने के बाद आपको एडवाइस करेंगे कि आप इसे एक्सट्रैक्ट करवा दें, यानी कि आप इसे निकलवा दें, क्योंकि ये बॉडी का एक वेस्टिजियल पार्ट होता है। ना तो ये खाने के काम आता है, ना ये बात करने के काम आता है। एक्चुअली इसका कोई रोल नहीं होता है हमारे जॉब में। और इसके एक्सट्रैक्शन का खर्चा आपका मेनली 1,000 से 5,000 तक आता है, पर मैंने कई क्लिनिक्स में देखा है कि इसका खर्चा 10,000 भी होता है। और वो डिपेंड करता है कि आपकी क्लिनिक कैसी चल रही है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है और किस लोकेलिटी में आपका क्लिनिक है। अब आप सबके एक कॉमन डाउट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या दांत निकलवाने के बाद आंखों की रोशनी कम हो जाती है या कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? तो नहीं, ना तो आंखों की रोशनी कम होती है, ना ही इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप इसे आराम से निकलवा सकते हैं। बस हाँ, आपको एक्सट्रैक्शन के बाद कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि 24 घंटे तक आपको कुछ भी गर्म नहीं खाना होता है, कोई भी सॉलिड चीज नहीं खानी होती है, लिक्विड लेना होता है ज्यादा से ज्यादा, और ठंडी चीजें खानी होती हैं। एक दिन के बाद यानी 24 घंटे के बाद आप नमक पानी का कुल्ला कर सकते हैं, और इसके साथ आपको हल्के हाथ से ब्रश करना है। बस इन सब बातों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होता है और एक हफ्ते के अंदर हीलिंग हो जाती है। एक्सट्रैक्शन के अलावा भी आपके पास एक सर्जिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है, जिसमें अगर दांत सीधे आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर प्रेजेंट मसूड़े को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं और दांत को जॉ में आने में हेल्प करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा होता है, इसमें एक सिंपल एले दे के सर्जिकल ट्रीटमेंट कर देता है। आप दांतों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि हमने एक्सट्रैक्शन भी नहीं कराया, सर्जरी भी नहीं कराई, क्योंकि ये दांत ऐसा होता है कि हर 2-3 महीने पे आपको बार बार परेशान करेगा। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि एक्सट्रैक्शन करवा के पेन फ्री हो जाइए। अगर आप एक्सट्रैक्शन नहीं करवाते हैं और दांत टेढ़े आ रहे होते हैं, आपने उसको पेरिकोरोनाइटिस का भी ट्रीटमेंट नहीं कराया हुआ है, उसको वैसे ही छोड़ देंगे, तो कई बार देखा गया है कि दांतों का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, यानी कि आगे के दांत आगे पीछे हो जाते हैं, और फिर आपने देखा ही है कि लोग ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो ऐसी नौबत ना आने दें और अपने डेंटिस्ट के पास टाइम से जाके एक्सट्रैक्शन या सर्जरी करवा लें।